शांत मन मेरे बाद दोहराइएगा। ओम सहना ववतु, सहना भुनातु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमास्तु। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। आरोग्य, ऊर्जा एवं प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि की संकल्प के साथ एक बार मैं उसके पश्चात हम सब एक साथ। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः दोनों पैरों को अलग अलग रखेंगे, दोनों हाथ को फैला देंगे,
बाएं हाथ को दाएं हाथ के कंधे पर रखेंगे और बाएं हाथ को कमर के पीछे मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए एक बार देख लीजिए ये इस तरह, और कमर एक बार पीछे का पोस्टर दिखा दो, इधर मुड़ी दो, यस ये इस तरह, और सिर के ऊपर से पीछे की ओर देखने का प्रयास करें, पैरों को स्थिर रखेंगे केवल कमर के पास से ट्विस्ट करना, राइट, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे, सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे, सांस लेते हुए बीच में आएंगे। इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा सा टिप्स है, जब भी शरीर को मोड़ते हैं, सिकोड़ते हैं, बैंड करते हैं तो सांस छोड़ते हैं, जब भी एक्सपांड करते हैं, फैलाते हैं तो सांस लेते हैं, ये पूरे योग में ये सब प्रकार, राइट, हो दोनों पैर अलग, दोनों हाथ को फैला लें, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखते हुए सांस छोड़ते हुए ये कमर इस तरह पीछे की ओर देखने का प्रयास करें, बहुत अच्छा, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, सांस लेते हुए वापस, दो वापस, दो वापस, तीन वापस, तीन वापस, चार सांस छुट्टी में वापस, सांस छुट्टी में चार, सांस छुट्टी में वापस, पांच वापस, पांच वापस, छह वापस, छह वापस, सात कमर को मुक्त कीजिए, सांस लेते हुए वापस, सात वापस, आठ वापस, आठ वापस, अंतिम राउंड, नौ वापस, नौ वापस, हम उसके पश्चात एक आसन करेंगे, मैं समझता हूँ मेरे को बहुत पसंद है, आप सबको भी बहुत पसंद होगा, वासन है शवासन, रखते हुए पीछे बने हैं, एक तरफ झुका हुआ नहीं सिर्फ पूरा शरीर सिर में आंखें बंद, आंखों को सहजता पूर्वक बंद कीजिए, आंखों को बंद करने में जो मन लगाइए आंखों को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों कमाओं को ढीला छोड़ दिया आपका पूरा चेहरा चेतन हो जाएगा, दोनों कंधों को ढीला छोड़े, दोनों हाथ समय शिथिल हो जाएंगे, दोनों ही कंध शिथिल छोड़ दें, दाएं पैर के कंधे को दाएं की ओर, बाएं पैर के कंधे को बाएं की ओर आरामदायक तरीके में झुका दें, पूरे शरीर का ख्याल अपनी सजगता शरीर पर भी बनाए रखें, अभ्यास के दौरान शरीर के जिन अंगों पर सर्वाधिक दबाव तनाव उत्पन्न हो रहा था, कष्ट की अनुभूति हो रही थी, अपनी सजगता उन अंगों पर ले जाइए, उन अंगों को ढीला छोड़े, उन अंगों को शिथिल छोड़ते जाए, पूरे शरीर को मानसिक रूप से देखने का प्रयास की, सजगता शरीर पर ही बनाए रखें, अब सजगता सांस प्रश्वास पर ले आए,
सावधान सजग हुए। सात आ रही है, सात जा रही है, केवल इतना ही जानना है। अपनी ओर से सांस लेने एवं छोड़ने का कोई भी अधिक शब्द प्रयास मत कीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, देखते जाइए। हर सांस को देखिए, बाहर जाती हुई हर प्रश्वास के प्रति सजग रहिए। सांस प्रश्वास का ख्याल छोड़ दीजिए, अपनी चिंता पुनः शरीर पर दें। शवासन के सिद्ध लेते हुए अपने पूरे शरीर का ख्याल कीजिए, शरीर और जमीन के उस पर तत्वों का ख्याल कीजिए। शरीर के जो भाग जमीन को छू रहे हैं उनके प्रति सजग कर जाइए। दोनों पैरों को हिलाइए, हाथों की उंगलियों को खोलिए, बंद कीजिए, सिर रुकाइए, लंबी गहरी सांस लेकर पूरे शरीर को तारासन की तरह ताक शरीर का पूरी तरह लौटाए तो दाहिने कर्म लेते हुए फिर से उठकर खड़े हो जाए। हिलते-डुलते शरीर को स्थिर बनाने का प्रयास करें। आप देखिए कि शरीर का भार कभी दाहिने पैर पर अधिक होता हो जाता है तो कभी बाएं पैर। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण अभ्यास के रूप में जाना जाता है। यह हमारे शरीर के समस्त आंतरिक अंगों को भी सक्रिय करता है। पूरे शरीर को ढीला छोड़, पूरे शरीर को आरामदायक स्थिति में लाने का प्रयास करें। स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए तैयार बनाइए। कमर कमजोर को ढीला छोड़ें, सजगता दोनों पैरों पर ले, पूरे शरीर का भार दोनों पैर पर है, इसके प्रति सजग बने। अपनी सजगता पैर के तलवों पर ले जाए, पैर के तलवे एवं जमीन के स्पर्श बिंदुओं पर ध्यान कीजिए। मानसिक रूप से कल्पना करें कि आपके पूरे शरीर का तनाव, आलस्य, शारीरिक व्याधियां और नकारात्मक को शरीर से निकलकर भूमिगत हो रहे हैं। दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में है,
प्रातःकालीन उगते हुए बाल सूर्य का दर्शन कीजिए। बड़ा सा गोल लाले हुए बाल सूर्य, सूर्य की किरणें आपके पूरे शरीर पर पड़ रही हैं, आपको निरोग तेजस्वी एवं ऊर्जावान बनाएंगे। सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास आरंभ करते हैं। आंखें खोल लीजिए। जिन विद्यार्थियों को कमर में बहुत अधिक दर्द की शिकायत हो या स्पॉन्डाइटिस की शिकायत हो, इस अभ्यास को ठीक करेंगे साथ ही साथ। जिन विद्यार्थियों को हाई बीपी है, बेहतर होगा ये यदि नियमित विद्यार्थी नहीं है तो इस अभ्यास को नहीं करें और अपने स्थान पर बैठकर अभ्यास देख सकते। बाकी विद्यार्थी अभ्यास आरंभ करते हैं। दो सांस लीजिए, दो हाथ ऊपर, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए तीन छह सा नीचे लाए, चार दाहिने हाथ पीछे घुटना जमीन पर, छह पांच दोनों पर पीछे एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयास करें, स्ट्रेच करें, छह सब कभी घुटना जमीन पर टिकाए, फिर छाती और टूटी नितंब जमीन से ऊपर आएगा, सात भुजंगा सत्य, आठ पर्वतासन, बाएं पैर सामने करते हुए नौ, दस दोनों पैर सामने, ग्यारह तेरह नाभि सब ऊपर, बारह प्राणायाम मुद्रा हाथ। ये बारह आसन फर्स्ट पार्ट, ठीक इसी का बारह आसन सेकेंड पार्ट, ये इस तरह से एक राउंड। अभी हमने दाहिने पैर पीछे किया, इस बार जो है बाएं पैर पीछे ले जाइए, वापस समय ठीक पैरों को सामने रख सकते, थोड़ा सा फोर्स भी लाइए। जिस तरह से अपन पैर को पीछे ले जा देते हैं तो पैर जो है दोनों हाथ के बीच में, ठीक वापस आते समय की कोशिश कीजिएगा इसी तरह। याद रहे अपनी शारीरिक शारीरिक क्षमताओं से भी जोर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे आरा। एक प्राणायाम मुद्रा, दो हस्तासन, तीन बाएं के पीछे, चार घुटने जमीन पर, छह पांच दोनों पैर पीछे एड़ियों में जमीन लगाने का प्रयास करें, छह घुटना पहले जमीन पर टिकाए, छाती और छोटी नितंब जमीन से ऊपर, सात भुजंगासन नितंब जमीन से टिकाए, छाती ओर देखें, आठ वेरी गुड, नौ दस दोनों पैर सामने, ग्यारह तेरह नाभि सब ऊपर, बारह प्राणायाम मुद्रा तेरह, ये हुआ एक। छोटे छोटे जितने भी आसन है उन सारे आसनों का समावेश सूर्य नमस्कार के बाद, ठीक है। अब ब्रीथिंग अवेयरनेस, जब भी शरीर को एक्सपांड करेंगे, फैलाएंगे, सांस लेंगे, मोड़ेंगे, सिकुड़ेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो सांस छोड़ेंगे। एक सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, दो लंबी गहरी सांस लीजिए, तीन सांस छोड़िए, पूरे पेट खाली कर लीजिए, चार सांस लीजिए, पांच सांस छोड़िए, छह सांस रोकिए, एक मात्र आसन जिसमें हम सांस को रोक के रखें, सात सांस लीजिए, आठ सांस छोड़िए, नौ सांस लीजिए, दस सांस छोड़िए, ग्यारह सांस लीजिए, बारह सांस छोड़िए, हाँ दूसरा हाथ बैक फिर आठ, एक सांस लीजिए छोड़िए, दो सांस लीजिए, तीन सांस छोड़िए, चार एक सांस लीजिए, चार सांस लीजिए, पांच सांस छोड़िए, छह सांस रोकिए, बहिर्मुख सांस रोके, सात सांस लीजिए, आठ सांस छोड़िए,
नौ सात दीजिए, दस सात दीजिए, ग्यारह सात दीजिए, बारह सात दीजिए, आठ दीजिए। कितने रन हो गए? बिल्कुल धीरे सात पांच की सजा न केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक व्यायाम पहले के क्रम पर अपनी सजगता बनाए रखिए। एक दो तीन वेरी गुड, चार पांच छह छाती पट्टी जमीन पर नीचे ऊपर सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दूसरा एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। नए विद्यार्थी शवासन लीजिए, पुराने विद्यार्थी दो रौना करें, ठीक है? नए विद्यार्थी कृपया पीछे और शवासन लीजिए और जो कर सकते हैं दीजिए। अब हम अपेक्षा करें क्रम और शास्त्र स्वास्थ्य पर अपनी सजगता बनाए रखिए। एक दो तीन चार पांच छह उठना चाहते थे जमीन पर यहां पर सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और अच्छा दूसरा बारह एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अंतिम एक दो तीन पीछे चार पांच के यूनिट लगाइए छः सात शुरू करिए सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दूसरा बारह एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह शवासन में लीजिए चाहिए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। पूरा शरीर धीरे धीरे अपनी सजगता सांस पर श्वास कर लिया है। जिस भी गति से सांस आ रही है सांस जा रही है उसे केवल देखते रहिए। सांस के लय को सांस के क्रम को
But again, बल्कि साक्षी भाव से दृष्टा भाव से सांस के आवागमन को देख रहे हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, केवल इतना ही जानना है। दोनों भाव के बीच में दो उंगलियां रखते हैं। अब करना क्या है, इसको अंगूठे से दाहिनी नाभि को बंद किया, बाएं से सांस लिया, इसको बंद करके अंगूठा हटाया, यहां से सांस छोड़ दिया। जिससे सांस छोड़े उसी से वापस सांस लेंगे, उसको बंद कर देंगे, दूसरे नाभि से छोड़ देंगे। ठीक है, सांस लेते और छोड़ते समय बहुत जल्दी शारीरिक अटक करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे, चेहरे को विकृत भी नहीं करते, ठीक चेहरे में वो सामान्य बना करते और सांस को क्योंकि सजग करते। अभ्यास कीजिए, पांच बार दही नाक से, पांच बार पाई नाक, आंखें बंद। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आंखों को बंद रखना, आंखें खोलना नहीं। इसके पश्चात पांचों नाम धारण प्राणायाम में चेहरे को सामान्य बनाए रखिएगा, भौंरे की तरफ गुंजन करेंगे और गुंजन को गुंज को सुनने का प्रयास। अभ्यास के दौरान आंखों को बंद कर सांस समाप्त हो जाए तो समाप्त हो जाए। ठीक है, आंखों को बंद करके
तीसरा महत्वपूर्ण निर्देश है सोना नहीं है, निद्रा अवस्था से हमें दूर रहना है। शरीर शिथिल होता है, मन शांत होता है तो हमें नींद आने लगती है। बीच बीच में अपनी चेतना की स्थिति को देखते जाइएगा। जो मुद्रा सोने का अभ्यास नहीं है, योग मुद्रा एकाग्रता का अभ्यास भी नहीं है, मन को ढीला छोड़े, शरीर को शिथिल और मेरे निर्देशों का मानसिक रूप से पालन करते जाए। यदि आप निर्देशों के पालन करने में अनुसरण करने में असमर्थ रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आवाज निरंतर आपके कानों में पड़ती रहनी चाहिए। आवाज के प्रति अचेत नहीं होना है, सोना नहीं। मनी मंत्र, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, मैं सोमवार। अपनी सजगता श्रवण इंद्रियों पर लेते हैं, कान में जितनी भी ध्वनियां प्रवेश करती हैं उन्हें सुनने का प्रयास करें। आवाजों को पहचानने में अपने मन को मत लगाइए और किसी एक आवाज पर स्थिर भी मत रहिए। एक आवाज से दूसरी आवाज, तीसरी आवाज, दूर से आती हुई आवाज, धीमी आवाज, सुख से सूक्ष्म आवाज, पास की आवाज, मेरी आवाज, केवल सुनते जाते हैं। योग निद्रा प्रत्याहार का एक अभ्यास है। इस अभ्यास क्रम में चेतना को स्थूल से सूक्ष्म बनाकर विश्राम की अवस्था में लाया जाता है। सोना नहीं है, सोना नहीं है, निद्रा अवस्था से हमें दूर रखता है। अपनी सजगता का शरीर पर बनाए रखिए। आपका पूरा शरीर शवासन की स्थिति में लेटा हुआ है, शांत स्थिर हलचल रहित आपका पूरा शरीर। कुछ क्षण बाद योग का अभ्यास कई घंटे की नींद के बराबर शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। सोना नहीं है, सोना नहीं है, निद्रा अवस्था से हमें दूर रहना है। अब हम अपनी सजगता को, अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न हिस्सों में बारी बारी से ले जाएंगे। मैं शरीर के जिन अंगों का नाम लूंगा आप मानसिक रूप से उन अंगों को देखिएगा, उन अंगों को ढीला शिथिल छोड़ते जाइएगा। अपनी सजगता का शरीर के दाहिने हिस्से पर ले जाए, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ का उठा पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली, हथेली, कलाई, निचली भुजा, केवली, ऊपरी भुजा, कंधा, दाहिना कान, दाहिना कमर, दाहिना नितंब, दाहिने पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली, शरीर का पूरा दाहिना हिस्सा। अब अपनी चेतना को शरीर के बाएं हिस्से पर ले आए, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली, हथेली, कलाई, निचली भुजा, केवली, ऊपरी भुजा, कंधा, कान,
बाएं कमर, बाएं कम, बाएं पैजाम, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली, शरीर का पूरा बाएं हिस्सा, शरीर के पिछले अंगों का ध्यान, पूरी पीठ, दाहिना कंधा, बायां कंधा, दाहिनी पीठ, बाएं पीठ, दाहिनी कमर, बाएं कमर, दाहिना नितंब, बायां नितंब, पूरी पीठ, पूरी रीढ़ की हड्डी। अब अपने शरीर को ऊपरी हिस्सों से देखना आरंभ करते हैं। सिर का पूरा ऊपरी हिस्सा, माथा, दाहिनी भौं, बाएं भौं, भ्रूमध्य, दाहिना कान, बायां कान, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिनी आंख, बाएं आंख, नाक, दाहिनी नासिका क्षेत्र, बाएं नासिका क्षेत्र, नासिकाग्र, ऊपर का भौं, नीचे का भौं, टुट्टी, गला, दाहिनी छाती, बाईं छाती, छाती का मध्य भाग, पेट, नाभि, पूरा दाहिना पैर, पूरा बाया पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दाहिना हाथ, पूरा बाया हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों पैर, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, पूरा ऊपरी हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर एक साथ। सोना नहीं है, निद्रा से हमें दूर रहना है। अब तीसरे का सांस पर सांस पर केंद्रित कीजिए। सहज स्वभाव श्वसन क्रिया, सांस प्रश्वास का ख्याल नासिका से, अपनी सुलेखता नासिका द्वारा बन जाइए और सांस के आवागमन को, सांस के आने और जाने को देखते जाइए। सांस लेने एवं छोड़ने का कोई भी अंतरिक्षारू प्रयास मत कीजिए, बल्कि सहज स्वाभाविक श्वसन क्रिया को साक्षी भाव से, दृष्टि भाव से देखते जाइए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, हर सांस को देखिए, बाहर जाती हुई हर प्रश्वास की गति सजग बन रही है। सांस प्रश्वास का ख्याल गले से, कंठ से, जैसे आप गले से सांस ले रहे हैं, गले से सांस छोड़ रहे हैं, सांस के आवागमन को गले के भीतर देखिए। सांस प्रश्वास का ख्याल सीने से, सांस प्रश्वास का ख्याल फेफड़ों से, फेफड़ों में सांस भरती है, खाली देखते हैं। सांस प्रश्वास का ख्याल नाभि से, जैसे आप पेट से सांस ले रहे हैं, पेट से सांस छोड़ रहे हैं, पेट के विस्तार एवं संकुचन की क्रिया को भी देखिए। अपनी ओर से पेट फुलाने या संकुचन करने का कोई भी शारीरिक प्रयास मत कीजिए, बल्कि सहज स्वाभाविक होती इस क्रिया को देखते जाइए। अब इसी श्वसन क्रिया को कंठ से नाभि और नाभि से कंठ के बीच आते एवं जाते हुए देखिए। सांस लेते हैं, सांस कंठ से नाभि तक जाती है, सांस छोड़ते हैं, सांस नाभि से कंठ तक वापस आती है।
सांस लेते हैं, सांस जाती है, पेट का विस्तार होता है, पेट फूलता है, ऊपर की ओर उठता है, सांस छोड़ते हैं, पेट संकुचित होता है, देखते जाइए, देखते जाइए। सांस प्रश्वास का ख्याल छोड़ दीजिए अपने।